अमेरिका की तरफ से मिल रही कड़ी पाबंदियों की धमकी का जवाब देते हुए पुतिन ने बाइडेन को साफ साफ कह दिया कि रूस खुद ही पश्चिमी देशों से कारोबार नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार विदेशी कंपनियों की जगह रूस के कारोबारियों को बढ़ावा देगी ताकि दोबारा उन्हें विदेशी कंपनियों की जरूरत ही न पड़े। पुतिन ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की जिन कंपनियों ने जंग की वजह से रूस से दूरी बनाई उन्हें दोबारा रूस में घुसने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। मतलब बाइडेन अब तक पुतिन के खिलाफ जिस पैंतरे का इस्तेमाल कर रहे थे पुतिन ने उसे एक झटके में पलट दिया और ये दावा किया कि विदेशी कंपनियों के होने या न होने से रूस को कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। साथ ही उन्होंने ये भरोसा भी जताया कि रूस अमेरिकी या पश्चिमी देशों की कंपनियों के बजाय अपने कारोबारियों को ज्यादा सुविधाएं देगा ताकि वो लोगों की जरूरत का सामान रूस में ही बना सकें। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा से डराने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक 4 साल का बच्चा बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से नीचे गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। बताया गया कि जिस बालकनी से बच्चा गिरा वहां एक स्टूल रखा हुआ था। आशंका जताई गई कि उसी स्टूल के सहारे वो बच्चा बालकनी के किनारे तक आया और वहां से सीधे नीचे गिर गया। जानकारी के मुताबिक ये घटना सुबह के वक्त हुई जब उस बच्चे के घर वाले सो रहे थे, लेकिन जैसे ही वो बच्चा नीचे गिरा वहां हड़कंप मच गया और उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। उधर केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में स्कूल की पक्की बिल्डिंग बनाने की मांग को लेकर एक स्कूल की 100 से ज्यादा छात्राओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्राओं का उनके माता पिता ने भी साथ दिया और वो भी सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। स्कूल की पक्की बिल्डिंग बनाने की मांग को लेकर छात्राएं काफी देर तक सड़क पर डटी रहीं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार ही थम गई। छात्राओं को प्रदर्शन करता देख वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई। हालांकि जैसे ही प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को मिली वो वहां पहुंच गई, जिसके बाद छात्राओं को स्कूल बनवाने का भरोसा दिलाकर उन्हें वहां से हटाया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका समेत कई देशों पर बड़ा साइबर हमला हो गया। दावा किया गया कि इस साइबर हमले में अमेरिका की कई सरकारी एजेंसियों को निशाना बनाया गया जिसमें उन्हें भारी नुकसान होने का दावा किया गया। अमेरिका में साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा देने वाली एजेंसी CISA यानी साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया कि हैकरों ने मूविट नाम के सॉफ्टवेयर में सेंध लगाई और अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन समेत कई देशों की कंपनियों का डेटा चुरा लिया। CISA के मुताबिक मूविट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कंप्यूटर फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। दावा किया गया कि हैकरों ने इस सॉफ्टवेयर में सेंध लगाकर कई सरकारी एजेंसियों का भी डेटा चुरा लिया। उधर यूरोप को रूस का कच्चा तेल रिफाइन करके बेचने पर भारत के पलटवार के बाद 27 देशों के संगठन EU यानी यूरोपियन यूनियन के तेवर नरम पड़ गए। रूस को यूक्रेन पर हमला करने की सजा देने के लिए EU ने इसके लिए उसके तेल पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन भारत रूस से कच्चा तेल खरीदे कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल बनाकर यूरोप के कई देशों को बेच रहा है। इसलिए पिछले महीने यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने भारत के खिलाफ एक्शन लेने का बयान दिया था, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपियन काउंसिल के नियमों का हवाला देकर दो टूक कह दिया था कि अगर किसी तीसरे देश में रूस का तेल रिफाइन किया जाता है तो उसे रूस का तेल नहीं माना जाता। एस जयशंकर के आईना दिखाने के बाद यूरोपियन यूनियन ने अपनी चेतावनी से यू टर्न ले लिया। अब EU के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि भारतीय रिफाइनरियां अपने उत्पाद इसलिए बेच रही हैं क्योंकि यूरोप की कंपनियां खरीद रही हैं, मगर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, बेचने वाला या खरीदने वाला? जोसेफ बोरेल ने अपने पिछले बयान के लिए सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि वो भारत की सरकार की आलोचना नहीं कर रहे थे। उनके कहने का मतलब यह था कि यूरोपियन यूनियन यूरोप की कंपनियों के रूस रिफाइन हुए कच्चा तेल खरीदने पर आंख मूंद कर नहीं बैठ सकता।